काज केदर निकल हुआ था तो उनकी पुण्यतिथि के ऊपर भाई मान गुजरे बहुत अच्छा शुभ कार्यक्रम किया। रक्त दान जीवन दान है, यदि किसी को रक्त की आवश्यकता है और ये रक्त में जो उसका जीवन बचता है इससे बड़ा साथियों को उपकार नहीं हो सकता। इसलिए हरियाणा प्रदेश में विशेष तौर से हमारे युवा साथियों को इस बात पर मुबारकबाद देता हूं कि समय समय पर इस प्रकार के रक्त सेवा लगा करके जो हॉस्पिटलों में रेड क्रॉस में मदद की आवश्यकता है, जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता है तो तुरंत उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि कोई भी देश है, प्रदेश है, हेल्थ इज वेल्थ, जिस व्यक्ति का शरीर अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर उसकी एफिशिएंसी काम करने की बढ़ेगी, उसकी एज भी बढ़ेगी। इसलिए हरियाणा सरकार भी प्रयासरत है क्योंकि पूरे देश में हर स्टेट की डेथ एवरेज वैल्यू जो तय है, जैसे पूरे देश में हरियाणा प्रदेश के जो हम नागरिक हैं हमारी डेथ रेट वैल्यू 60 से 65 वर्ष है। इसलिए हमारा खान पान अच्छा रहा है क्योंकि इसके लिए सबसे जरूरी व्यक्ति को व्यायाम करना, योग करना और सरकार हरियाणा स्तर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने पूरे देश में क्या राष्ट्रीय स्तर पर जब यूएनओ के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने योग दिवस के लिए प्रस्ताव रखा तो 170 देशों ने उनका समर्थन किया और 21 जोन को पूरे वर्ल्ड में एक दिन योग दिवस मनाया गया। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम श्रेय देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, हर पहलू से बहुत बारीकी में जाकर काम करते हैं तो उन्होंने भी योग दिवस को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में हर गांव के अंदर व्यायामशाला खोलने की घोषणा की और फर्स्ट फेज में 1000 गांव को हमने लिया और जिसमें तकरीबन 60% से ज्यादा गांव के अंदर या तो व्यायामशाला या स्टेडियम बन चुके हैं, बाकी अंदर कंस्ट्रक्शन है तो जिससे कि हमारे जो युवा हैं, वृद्ध हैं वो व्यायामशाला में जा सके, सैर कर सके, योगा कर सके। इसलिए हरियाणा सरकार भी प्रयासरत है और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और आयुष डिपार्टमेंट को इसके लिए पूरा हेल्थ के प्रति पूरे केंद्र के पूरे प्रदेश में अपने अपना विभाग पूर्ण रूप से काम करके हर व्यक्ति का चेकअप हो। इसलिए सरकार भी भाई अनिल भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आप पहले देखते थे हॉस्पिटल में जाते थे केवल पर्ची लिखी जाती थी, आज 567 ऐसी दवाइयां हैं जो हॉस्पिटल में फ्री मिलती हैं। इसलिए ये माननीय लोकराज जी की सरकार की देन है और जिससे कि हमारे जो सीएचसी हैं, पीएचसी से सीएचसी, सीएचसी जो प्रोवाइड हॉस्पिटल हैं उन सबको अपग्रेड करके हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्रदेश में स्वास्थ्य ठीक मिले। और सबसे बड़ी जो बात है कि जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पहले हमारे बच्चे दूसरे स्टेटों में जा करके करोड़ों करोड़ रुपये दे करके उनको एडमिशन मिलता था, लेकिन माननीय मनोहरलाल जी ने ऐलान किया कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, केवल एक डिस्ट्रिक्ट रहता है जहाँ पर या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सरकारी मेडिकल कॉलेज है। 21 ऐसे डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके हैं, इसलिए जिससे कि हमारे बच्चे यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे और उनकी जो बनने के बाद उनकी सेवाएं हम हरियाणा प्रदेश में लेंगे। और डॉक्टरों के लिए माननीय मनोहरलाल जी ने, क्योंकि जो सरकारी जो डॉक्टर थे उनको होम डिस्ट्रिक्ट अलाउड नहीं था,
तो हमने एडमिशन में फैसला लेकर के अब डॉक्टरों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं, और हमने डॉक्टर हैं उनकी जो एज है वो भी हमने 65 साल की है कि लंबे समय तक वो हमारी अनुभव का फायदा ले सके, हमें स्वास्थ्य सेवाएं दे सके, ऐसी सरकार की नीति है। इसलिए मैं भाई मामी गुरु को विशेष तौर से इसके लिए शुभ कार्य के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी मेरे सोन जो गुड्डू है उनके श्याम जी, अच्छा तो श्याम भाई का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस आयोजन का जो प्रबंध किया है, इसके लिए विशेष तौर से धन्यवाद। और रेड क्रॉस से ऐसे में डॉक्टर साहिबान का और पावीर गुड्डू जी, धर्मपत्नी की पुण्यतिथि पर आज ब्लड डोनेशन कैंप, दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है, बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करते हैं, एक अच्छा संदेश देते हैं समाज को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, है ना, रक्तदान महादान और एक ऐसा पुण्य का काम है, रक्त जो है ना सिर्फ मानव का ही मानव को जा सकता है। हमारे को भी मैडम के लिए जरूरत पड़ी थी, बहुत बढ़िया ढंग से लोगों ने किया था, और हम तो सिर्फ खाली ये सारे बीओ साहब ये सभी इन्हीं की कृपा है, हम तो सिर्फ एक पोस्टर लगाया और पूरे शहर ने जो सहयोग दिया मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और कोई नहीं, लोग तो आते हैं। यूनिट अभी तक हो चुकी है सर? पिछली बार 100 से ऊपर हुई थी और अभी अभी जो है ना अभी शुरू होगा, 100 से ऊपर जाने की, 100 से ऊपर जाने की गारंटी है। बहुत बढ़िया, और यहाँ पर सभी शिक्षाविद भी हैं, मंत्री जी कृष्ण कुमार जी का बड़ी मेहरबानी, वो मेरे घरेलू मित्र हैं, मैंने उनसे निवेदन, वो बहुत बिजी थे लेकिन उसके बावजूद भी है। और आपने देखा कि सारे अमरपाल राणा जी भी, सेवा राम जी, विक्रम राणा भी, सभी चेयरमैन साहब, बीओ साहब और सभी जो है ना अधिकारी, और यहाँ पर सारे हमारे चेयरमैन साहब आए, हम इस पुण्य के मौके पर इनका सबका स्वागत करते हैं। और पूरे शहर के हम धन्यवादी हैं कि इतनी मास के अंदर वो आए हैं और हमारा हौसला भी बढ़ाया है और एक पुण्य कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत 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 धन्यवाद।